मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरहर की दाल, इसे कुछ लोग तुअर की दाल भी बोलते हैं, और ये है धुली उड़द की दाल, इसे काले माँ की दाल भी बोलते हैं। इसमें जो दाल में पॉलिश लगी होती है, ये मार्केट वाले जो होते हैं बाज़ार में बेचने वाले, ये दालों में पॉलिश लगा देते हैं जिससे इनकी दालों में चमक आ जाए, थोड़ी सी देखने में सुंदर लगती है इससे पॉलिश लगाने से। और लेकिन ये जो पॉलिश है वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देती है। इसको इस तरह से दाल बनाएंगे, इसकी पॉलिश को हमें निकालना है बाहर, और इसका अगर ये खाने में हमारे साथ पेट में चली जाती है, हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में मिक्स हो जाती है, तो इससे बहुत बीमारियां बनती हैं। और इस तरह से बीमारियां बनती हैं, कभी जैसे थायराइड है और जोड़ों का दर्द है, और मतलब ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियाँ, छोटे बच्चों के मतलब समय से पहले बाल सफ़ेद होना, आंखें कमज़ोर होना और आंखों में चश्मा लग जाना, ये सब बीमारियाँ इससे बनती हैं। सब्जियाँ भी होती हैं जो सब्जियों में लोग इंजेक्शन लगा के उनको करते हैं, लेकिन उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम इनका तो कर सकते हैं ना, दाल का हम ये निकाल के इसकी पॉलिश को बाहर निकाल के करेंगे, फिर हम इसको दाल को बनाते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, फिर हम इसको दिखाते हैं कि इसकी पॉलिश को हम कैसे बाहर निकालेंगे। ठीक है, कुकर रखती हूँ मैं, कुकर में दाल रखूँगी बनने के लिए। ये दाल मैंने अरहर की दाल को मैंने इसे पहले से धो के रख लिया है, ये आधा घंटा हो गया इसको भिगोए दाल को मुझे, और इसको ये ना धो के रखेंगे, उसके बाद भी ये पॉलिश इसमें बहुत सारी रह जाती है, इसको पॉलिश को हमें अलग करना है दाल को। चलिए दिखाते हैं हम इसको कैसे अलग करेंगे। कुकर हमने रख दिया है गैस पे, थोड़ा पानी डाला है इसमें करीब ये वाला एक भर के, और इसका दाल का जो पानी है इसको भी निकाल देंगे, क्योंकि इसमें भी पॉलिश का थोड़ा असर आ गया है। इसको हम दाल के पानी को इसमें निकाल देंगे एक बर्तन में। इस तरह से अब फिर दाल को हम डाल देंगे कुकर में, इस तरह से दाल को कुकर में डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम एक चम्मच के करीब, क्योंकि ये सेंधा नमक मैं यूज करती हूँ, तो मैं थोड़ा नमक ज़्यादा डलता है सेंधा नमक, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच नमक, और उसको धीमी गैस पे रख देंगे, बिल्कुल उबाल नहीं आने देंगे, क्योंकि उबाल आएगा थोड़ी थोड़ी धीरे में धीमे धीमे बनेगी दाल, तो उसके जो झाग हैं वो ऊपर आएंगे। इस तरह से चलिए मैं दिखाती हूँ, रख दिया है। देखिए झाग आने लग गए हैं, देखो बाइट बाइट, इस तरह से बाइट बाइट आ रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, बाकी लोग सारे लोग करते हैं, कुकर का ढक्कन पहले लगा देंगे, जो भी डालना सामान डाल लेंगे, या तड़का लगा के दाल बनाते हैं, तो वो झाग नहीं निकाल पाते हैं, वो झाग सारे हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, इससे हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से दाल बनाएं, इसके झाग को निकालें, ताकि स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें। ये मैं दिखाना चाह रही, देखो इस तरह से ये झाग आ रहे हैं। अब मैं इनको निकाल के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये झाग आ रहे हैं, ऊपर आ जाएंगे अभी पूरे, धीमी धीमी गैस पे रखे। अगर हम इसमें पहले मसाला डाल देंगे तो ये मसालों के साथ झाग के साथ सारे मसाले बाहर निकल जाएंगे, इसलिए हम मसाले बाद में डालेंगे इसमें। ये देखो ऊपर आ रहे हैं, ये अब हम इसको गैस को कर देंगे थोड़ा धीमा, इसके झाग को निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए पॉलिश है, ये सारी ये जो दाल में पॉलिश लगती है ये वो पॉलिश होती है जो बच्चे कैरम बोर्ड के साथ खेलते हैं, सेल खड़ी लगाते हैं उसमें पाउडर डालते हैं, ये वो पॉलिश होती है। इसको निकालना बहुत जरूरी होता है,
ये देखिए तो निकाले झाग। अब आप दाल में आप जो भी डालना चाहते हैं उस तरह से दाल में डालें और अपना दाल बना लें, चाहे तड़का लगा के बनाएं, कढ़ाई में तड़का लगा लें, चाहे ऐसे ऊपर से, मैं तो ऊपर से ही तड़का लगाती हूँ लहसुन और जीरे का, मैं तो इस तरह से दाल बनाती हूँ। आप जैसा भी बनाते हो आप उस तरह से बनाएं दाल को और खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। और अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर देना, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चल थैंक यू।